हे एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Altium 365 एंड Altium डिजाइनर सॉफ्टवेयर के बारे में। एज वी नो दैट कि हमें पता है कि आज के टाइम में अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में अगर जॉब करना चाहते हो, एज ए हार्डवेयर इंजीनियर या फिर पीसीबी डिजाइन इंजीनियर, यू मस्ट हैव टू नो अबाउट अ कैड टूल। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, अगर आप किसी भी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, एक उसमें कैड टूल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो हमेशा देखने के लिए मिलता है। और वो क्या है, वो है Altium डिजाइनर। सो मैं आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूं कि Altium डिजाइनर को किस तरह से यूज करते हैं, Altium 365 को कैसे यूज करने वाले हैं। Altium 365 क्या है, तो Altium 365 एक आपको सर्वर दिया जाता है जहां पे कि आपकी Altium डिजाइनर के अंदर जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, चाहे उसके डेटा शीट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपके उसके कंपोनेंट की डिटेल्स हो, चाहे उसके बॉम हो, बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल हो, तो ये सारी की सारी रिपोजिटरी आपको हर एक टाइम पे पुश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है 365 में, या कहीं भी आपको अगर शेयर करना है, जस्ट यू कैन कनेक्ट विद योर Altium डिजाइनर विद Altium 365। जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे, रियल टाइम पे काम करोगे, वो प्रोजेक्ट को क्या करेगा, वो हर एक सेकंड पे पुश करता रहता है, जो कि Altium 365 के सर्वर पे होगा। इन दोनों को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद मैं कवर करने वाला हूँ आपके साथ बेसिक एक प्रोजेक्ट जो कि होगा आप किसपी 32 के साथ हम इंटरफेस करेंगे, माइक्रो यूएसबी के कनेक्टर, जिससे कि हम माइक्रो यूएसबी को प्रोग्रामिंग कर सके। और उसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है पावर सप्लाई, क्योंकि पावर सप्लाई डिजाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्रोलर को पावर अप करने के लिए। उसके बारे में हम आज की वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करते हुए बात करेंगे, स्कीमेटिक पूरा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो डेफिनेटली मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। अगर आप लोग मेरे को शेयर करोगे, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मैं आगे और भी कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर Altium 365 जो कि मेरे को स्पॉन्सर किया है इस वीडियो को शूट करने के लिए, Altium को यूज करने के लिए, जिससे कि आप लोगों का नॉलेज और भी इन्हांस हो, आप लोगों का स्किल डेवलप हो, आप लोग जॉब ओरिएंटेड बनो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में Altium डिजाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए Altium ने मेरे को स्पॉन्सर किया है फॉर दिस वीडियो कि आप स्टूडेंट को बताओ कि Altium 365 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। तो Altium 365 का जो है लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहां से आप जस्ट जा करके डाउनलोड करो, यूज करो, फ्री ट्रायल आपको मिलने वाला है। लगभग मैं बोलूंगा तो 30-45 डेज का आपको ट्रायल वर्जन मिलेगा अगर आप ये लिंक को यूज करोगे। वैसे आप अगर आप नहीं करते हो तो आपको मैक्सिमम 7 डेज का ट्रायल मिलता है, तो वहां से जाकर के आप यूज करो। और अगर आप मेरे को कमेंट करोगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो मेरे पास और भी रिक्वायरमेंट आने वाली है Altium की तरफ से, तो मैं और भी ज्यादा इस पे वीडियो आपके लिए शूट करता रहूंगा। तो जितना ज़्यादा आप मेरे को इस वीडियो को सपोर्ट करोगे, देखोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं आगे और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा। तो Altium का अगर आप वीडियो चाहते हो, इस वीडियो को पूरा देख, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको ये लिंक देखने के लिए मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जाओ, यहाँ पे जस्ट आप साइन अप करो, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपके फिल करने हैं, उसके बाद आपका ये साइन अप हो जाएगा और आपको मिलेगा फ्री ट्रायल वर्जन। न्यू स्किल है, आप यहाँ पे सीख सकते हो ट्रायल वर्जन से ही। अब मेरे को इंस्टॉल करना है Altium डिजाइनर, तो जस्ट मैं यहाँ पे जाऊंगा और लिखूंगा Altium डिजाइनर सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे आप Altium डिजाइनर सॉफ्टवेयर सर्च करोगे, आपको यहाँ पे Altium देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, बेसिक यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है फ्री ट्रायल। जैसे ही आप फ्री ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपसे यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हो, लाइक आप प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट हो या हॉबिस्टिक हो। तो आप जस्ट यहाँ पे अगर स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो, आपको कुछ बेसिक यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी होगी नीचे जाकर के। जस्ट आप यहाँ पे आओगे स्टूडेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको यहाँ पे अपने कॉलेज का ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल आईडी होगी कॉलेज के डोमेन रजिस्टर्ड, और आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा है, किस कॉलेज से हो या यूनिवर्सिटी से हो, जस्ट आपको यहाँ पे डिटेल फिल करके आपको पहले वेरिफिकेशन करना है। उसके बाद आपको Altium डिजाइनर का भी एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी इंस्टॉल कर रखा हूँ, सो जस्ट मैं अभी ओपन करता हूँ सॉफ्टवेयर और आपको दिखाता हूँ। सो जस्ट आपको बेसिक इंस्टॉल यहाँ पे करना है, जस्ट आप आगे बढ़ते जाओगे आई एक्सेप्ट, और यहाँ से आपको जस्ट प्रेस करना है। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड जैसा आपको एंटर करना है, जो आपने वहां पे लॉग इन किया था, मैं जस्ट एंटर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद जस्ट मैं पासवर्ड एंटर करूंगा, अनप्रेस द लॉग इन,
तो जस्ट मैं यहाँ पे लॉग इन करके आगे बढ़ूंगा। ये कुछ टाइम लेगा और डेफिनेटली, क्योंकि आपके डेटा को फेच करेगा जब आपने किया है। उस वक्त यहाँ पे सारी चीजों को आपको यहाँ पे जस्ट टिक आउट कर देना है। केवल टच सपोर्ट को आप छोड़ दो, उससे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट यस आई वॉन्ट टू बी पार्टिसिपेट नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड होना शुरू होगा, कुछ टाइम लेगा क्योंकि बड़ी फाइल है। यहाँ पे लगभग 2.3 GB है, डाउनलोडिंग होना स्टार्ट होगा, तो ये टाइम लेगा डेफिनेटली। सो आप कुछ समय के लिए वेट करो, उसके बाद इसे इसका पूरा प्रोसेस जो है वो इंस्टॉलेशन का उसे कंप्लीट होने दो, देन हम स्टार्ट करेंगे अपना जो Altium Designer सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद साथ में हम करने वाले हैं यहाँ पे Altium 365 को आपस में इंटीग्रेट, और हम एक सर्किट डिजाइन करके देखने वाले हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस, डाउनलोडिंग फाइल हो चुकी है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होने पे है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं Altium डिजाइनर को, और उसके बाद 365 को देखेंगे। एंड स्पेशली थैंक्स फॉर दिस वीडियो कि Altium 365 ने मेरे को स्पॉन्सर किया इस वीडियो के लिए, जो कि मैं स्पॉन्सर इस वीडियो के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच Altium फॉर दिस स्पॉन्सरशिप, एंड आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर planning to learn the Altium designer and especially for the hardware PCB design software, because this software is a complete popular. So yahan pe hamara process complete ho gaya. Now just I will click on the finish. So yahan pe just main allow kar deta hu. So ye hamara dashboard hai. Jab hum open karte hain Altium designer ko to is tarah ka कुछ यहाँ पे स्क्रीन और पॉपअप देखने के लिए मिलता है, जिसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं, हर एक का मीनिंग अलग होता है, जिसमें कि आपको कुछ Altium की तरफ से न्यूज एंड अपडेट, ब्लॉग्स वगैरह भी यहाँ पे देखने के लिए, आर्टिकल्स देखने के लिए मिलती है। उसी तरफ अगर मैं बात करता हूँ 365 के बारे में, तो 365 में इस तरह का कुछ आपको एक यहाँ पे डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी अमेजिंग है। और दोनों के अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ कि एक्चुअल क्या काम कर रहा है दोनों, तो अभी आप देख सकते हो मैं अपना लॉगिन कर रखा हूँ, मैंने आपको भी बताया लॉगिन करने के लिए। अभी मैं प्रोजेक्ट्स में हूँ, ठीक है, एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं आपको दिख रही जो मैंने अभी क्रिएट, कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा, मतलब ये हो रहा है कि ये सॉफ्टवेयर मेरा जो लैपटॉप है इसका कोई भी मेमोरी को कंज्यूम नहीं कर रहा है। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको फाइल ऑप्शन दिखता है, जिसमें आप नए प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रोजेक्ट को आप ओपन कर सकते हो, उस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो, लाइब्रेरी मैनेज कर सकते हो, व्यू में आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, प्रोजेक्ट के अंदर आप वैलिडेट वगैरह कर सकते हो। उसके बाद विंडोज का ये सब जो बेसिक फीचर्स होते हैं हर एक सॉफ्टवेयर में, वो इसमें भी आपको देखने के लिए आप अपने प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे जैसे ही मैं इस प्रोजेक्ट पे फिर से एक बार क्लिक करूंगा, जैसे ही ये फाइल पेज जो है रेफरेंस होगा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये फाइल जस्ट नाउ अभी मैंने जो क्रिएट किया यहाँ पे बन के आ गया। तो इससे फायदा यही है कि सबसे बड़ा कि हमें एक कम्युनिटी मिल रही है, उस कम्युनिटी के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसमें मल्टीपल लोग हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे चल रहा है, आपके पास सारा डेटा है, जिसके पास भी इसका एक्सेस है, ठीक है। सबसे पहला काम है अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, तो सबसे पहले हम आएंगे फाइल में, देन आएंगे न्यू, और उसके बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट में। अब होने क्या वाला है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट करना है कि आपका लोकेशन क्या है, इस लोकेशन पे आपको अपने डेटा को रखना है। हम के थ्रू है जो कि मैंने सर्वर Altium 365 का सर्वर यूज कर रहा हूँ लॉग इन करके, वर्जन कंट्रोल है, उसके बाद आपको देखने मिलता है लोकल प्रोजेक्ट। मैं अपने नाम पे ही प्रोजेक्ट पे जाऊंगा, और मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट जो कि ESP32 का है। ESP32 को हम USB से पावर भी देंगे, और हम उसको सीरियली कन्वर्ट करके हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं ESP32 को। उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट स्कीमेटिक अभी ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, जैसे 2-3 मिनट के बाद थोड़ा सा इसका ओवरव्यू पहले आपको दे दूं, जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाए कि Altium 365 में क्या हो रहा है और Altium डिजाइनर में क्या क्या होता है, दोनों कैसे आपस में काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम दूंगा ESP32, ठीक है, ESP32 WROM32D में यूज करने वाला हूं, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कनेक्ट करूंगा, पावर ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के तौर पे, अगर बोलूं तो यहाँ पे देखो फायदा यही है कि आपका एम प्रोजेक्ट क्या है, टू प्रोवाइड वी आर गोइंग टू डिजाइन a schematic of ESP32 for power supply and programming using USB to serial converter
ठीक है, इस नाम से मैं क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन देकर के यहाँ पे जिसमें क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जस्ट इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स, तो यहाँ पे एक आपका फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे कि देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया तो हमारा क्या एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया ESP32 के नाम से। अब मैं एक बार आता हूँ आपको लेकर के, तो अब क्या है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो इस प्रोजेक्ट के नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है डॉक्यूमेंट। नो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है बेसिक, तो नो डॉक्यूमेंट यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है इसके अंदर भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जस्ट मैंने एक फोल्डर को क्रिएट किया है उसके अंदर भी कोई भी फाइल नहीं है। जैसे कि आपको PCB बनाना है, स्कीमेटिक बनाना है, फुटप्रिंट बनाना है, सैंपल एडिट करना है, सैंपल को डिजाइन करना, वो चीजें भी नहीं है। तो वन बाय वन करके भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाओ ऐड फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करना है और आपको करना है ऐड न्यू टू प्रोजेक्ट एंड गो टू स्कीमेटिक। ठीक है, तो अब आपका स्कीमेटिक आ गया, बट यहाँ पे स्कीमेटिक के नाम से है तो इसके नाम को मैं क्या करने वाला हूँ, चेंज, जस्ट इस स्कीमेटिक वाले जो फोल्डर पे जाओ, राइट क्लिक करो, रीनेम में जाओ और यहाँ पे आप दे दो ESP32। ठीक है, और यहाँ पे अंडरस्कोर में दे देता हूँ SCH। ठीक है, जस्ट इंटरफेस किया, अब देखो यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, अब स्कीमेटिक हो गया। अब चाहिए PCB के लिए, फिर से मैं मेन फोल्डर पे जाऊंगा, अब स्कीमेटिक वाले फोल्डर पे नहीं जाना है, आपको जाना है मेन फोल्डर पे, फिर से राइट क्लिक करो और यहाँ से फिर एड टू न्यू प्रोजेक्ट करो एंड PCB। अब मेरे को PCB करना है, जस्ट एक सेकंड आप करोगे आ जाएगा PCB में जाकर के, जस्ट मैं एडिट करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ ESP32 WROM 32 और यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने स्कीमेटिक दिया था SCH, अगर मैं दे देता हूँ PCB और जस्ट प्रेस एंटर। अब मेरे पास दोनों फाइल क्रिएट हो चुकी है, स्कीमेटिक भी और PCB भी। स्कीमेटिक डिजाइन करने के लिए आपको करना है स्कीमेटिक वाले फोल्डर को सिलेक्ट करो, उसके बाद जस्ट आपको एक नीचे की साइड आओगे आपको देखने के लिए मिलेगा पैनल। ठीक है, या ऊपर की साइड आप आओ, एक बार पहले पैनल को समझने की कोशिश करते हैं कि पैनल क्या बोलता है। पैनल के अंदर अलग अलग आपको फीचर देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि कमेंट एंड टास्क है, जब आपको रिपोजिटरी है जो आपकी फाइल पड़ी हुई है आपके सर्वर पे, वहां पे अगर आपको कमेंट वगैरह करना है उसके, वहां से आपने स्कीमेटिक उठाया, अब आपको कोई स्कीमेटिक में चेंजेस करवाने हैं तो आप यहाँ पे कमेंट आउट कर सकते हो। कंपोनेंट्स, डिजाइन रेशियो, डिफरेंस, एक्सप्लोर, मैन्युफैक्चरिंग, मैं आता हूँ डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर पे। फायदा क्या है Altium 365 और Altium डिजाइनर को यूज करने का यहाँ पे, कि मेरे को कोई भी डेटा, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक लेट से सपोज करो कि मैं यहाँ पे जस्ट सर्च करता हूँ ESP32, ठीक है, WROM, और आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे आप डबल P भी प्रेस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा, भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ESP32 WROM 32 D। अब देखो जैसे मैं D सर्च किया यहाँ पे नीचे आऊंगा, ठीक, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखो अभी क्या होने वाला है, बहुत ही मजेदार टूल है Altium 365। आज के टाइम में इसलिए बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द 90% जो कंपनी है वो Altium को ही प्रेफर करती है, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, काफी इजी और आसान टूल है ये, इसको यूज करना। देखो यहाँ पे नीचे आऊंगा तो ये मेरे को देखने के लिए मिला है ना, यहाँ पे देखो ये मिल गया, या ये भी है नीचे थोड़ा सा, जब हम बढ़ेंगे तो मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इसके कुछ डिटेल्स, जैसे यहाँ पे देखो फुटप्रिंट आपको दिख रहे हैं, 2D है कि किस तरह का IC है, उसी तरह से आप इसका फुटप्रिंट देखोगे तो ये कुछ फुटप्रिंट है इसके ऊपर के, यहाँ पे कटआउट एरिया दिया हुआ है। ठीक है, ये उसके सिंबल्स है, सिंबल एडिटर बोल सकता हूँ, सारी चीज आपको मिल गई यहाँ से, आपको डेटा शीट जब देखने के लिए मिल गया। अलग अलग कंपोनेंट्स को एनालिसिस करते हैं, अब जैसे ये ESP32 देखने के लिए मिला, इसके अगर मेरे को डेटा शीट देखनी है तो सेम दो सारे स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे शो मोर में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से सिंपली इसके डेटा शीट पे जा सकते हो। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो आपकी डेटा की एक्यूरेसी है, जो आपके कंपोनेंट्स है, कई बार क्या होता है कि हम ऐसे कंपोनेंट्स को ले लेते हैं और उससे डेटा सेट मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। Altium 365 काफी अच्छे तरीके से डेटा को मैनेज करता है एक कंपोनेंट को, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए Altium 365 और Altium डिजाइनर दोनों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रेशन मिलता है दोनों का। अब इसमें मेरे को स्कीमेटिक डिजाइन करना है तो मेरे को चाहिए क्या, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा यहाँ पे ESP32 मॉड्यूल। तो करो कि आप मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर से जाओगे तो आपको डेटा सर्वर से मिलेगा कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपको एक एडवांटेज होने वाला है। तो जस्ट आई विल गो टू द पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट सर्च और यहाँ से ये मैं ESP32 जस्ट ये आप सिंबल पे अपना राइट माउस का क्लिक करना और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा प्लेस का, जस्ट प्लेस कर लेना यहाँ पे। ठीक है, देखो ये आपका भी कर्सर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे प्लेस हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके बाद मुझे चाहिए होगा एक माइक्रो USB केबल, तो अगेन मैं क्या करूंगा पार्ट सर्च में जाऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा USB। ठीक है,
अब देखो यूएसबी जैसे सर्च करोगे अभी आपको कुछ नहीं, बस यूएसबी सर्च आप इंटर कर दो ना, यूएसबी सर्च करो इंटर मारो, आपको सारी देखो यहाँ पे आपको कंपोनेंट देखने के लिए मिल गए, आपको विजिबल भी देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करोगे देखो ये कुछ इस तरह का सिंबल बन के आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये आपके सर्वर पे भी अपलोड हो जाएगा अगर आप यूज करोगे। ठीक है, जैसे इस कंपोनेंट पे आप क्लिक करोगे देखो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए मिल गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसके पिन आउट देखने के लिए मिल जाएगा, पिन आउट के बाद आप देखो यहाँ पे आपको ये इसके फुटप्रिंट देखने के लिए भी मिलने वाले, उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा सेट भी देखने के लिए मिलेगा। एंड्रॉइड डिजाइन में काफी ज्यादा इजी होता है कि सेम टाइम पे आपकी टाइम सेविंग ऑप्शन यहाँ पे है, तो काफी अच्छा होता है। अब यहाँ पे जैसे मैं 2D इस पे क्लिक करूंगा तो ये 2D आ जाएगा, इसका इस तरह का कुछ यहाँ पे इमेज है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ इसे यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ, जस्ट आई विल प्लेस दिस सेक्शन यहाँ। ठीक है, अब ये प्लेस हो गया यहाँ पे, बट इसका देखो पिन डायग्राम जो है, इसका जो पिन नंबरिंग है वो अलग साइड है, जिसका सीक्वेंस है, इसको मेरे को रोटेट करना है तो क्या करूंगा, जस्ट सिलेक्ट करूंगा और प्रेस करो एक्स और वाई। ठीक है, एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वाई का मतलब होता है वर्टिकल। जैसे आप लेके आओगे वाई करोगे तो वर्टिकल आपका चेंज होगा। देखो एक बार आप देखना दिखाता हूँ मैं आपको, अभी देखो जैसे नॉर्मल है, जैसे मैं वाई प्रेस करता हूँ तो देखो अब क्या हो गया, 1 नीचे आ गया, 11 ऊपर चला गया। ठीक है, बट ये मेरे को नहीं करना है, मेरे को 1 ऊपर ही रखना है, तो मैं वाई करूंगा और जो इसका ओरिजिनल था मैं उसी शेप में लेकर के आऊंगा, 1 ऊपर रहेगा। ठीक है, सॉरी 1 ऊपर रहेगा तो मैं एक्स प्रेस करूंगा, जैसे देखो एक्स प्रेस करूंगा तो देखो ये चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करके छोड़ देता हूँ, इसके बाद अगर मैं एक्स प्रेस करूंगा तो देखो क्या होता है, ये कुछ डिटेल्स इसके देखने के लिए मिलते हैं। मेरे को चाहिए होगा एक वोल्टेज रेगुलेटर, तो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ LM25, यहाँ पे ले लेता हूँ LM25 96, यहाँ से लेता हूँ और ये जैसे सर्च हुआ LM25 96 एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला, ये इसका कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हो बेसिक, यहाँ से भी आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाती है, जैसे ऑन सेमीकंडक्टर का है ये, ठीक है, स्विचिंग रेगुलेटर है, 7.5 एम्पीयर 80 किलोहर्ट्ज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी। ठीक है, अगर इसके एक बार मैं डेटा शीट देखता हूँ तो क्या देखने के लिए मेरे को मिलता है, यहाँ से डेटा शीट एक बार जैसे मैं ओपन करता हूँ तो इससे क्या एडवांटेजेस है, यहाँ पे क्या इसका फीचर्स क्या है, एक बार ये देखते हैं। मैं सीधा फीचर्स बात करूंगा तो यहाँ देखो जैसे फीचर्स का है, एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज रेंज जो है वो है 1.23 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक, मतलब जिसको 1.23 से लेके मैं 37 अप टू 37 वोल्ट तक यूज आउटपुट ले सकता हूँ। इनपुट कितना इसका होगा, तो इनपुट रेंज भी जो है वो काफी ज्यादा है, आप इसको इनपुट 40 वोल्ट तक इनपुट लेकर के चल सकते हो। ठीक है, इसको यहां से मैं इसे भी प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट लेफ्ट राइट क्लिक करके इस वाले आईसी को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें आपको एक बार बताऊंगा, अभी मैं सारा पहले आईसी जो भी है उस आईसी को एक बार प्लेस कर ले रहा हूँ, सो दैट कि हमारा काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाए। तो मैंने मेजरली 2 आईसी ये दोनों लिए, इसके बाद मेरे को एक चाहिए होगा सीरियल कन्वर्टर, जो कि इस D+D- को क्या करेगा, सीरियली कन्वर्ट करेगा 2102। ठीक है, और जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो कौन कौन से ये आया फर्स्ट। ठीक है, अगर इसके बारे में मैं देखता हूँ तो टोटल 28 पिन की चिप है। ठीक है, बट मेरे को चाहिए इसमें जो सिग्नल वो इम्पोर्टेंट है कि सिग्नल कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वीवर D+ है, DTR है, ये पूरा का पूरा काम कर जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं क्या करता हूँ यहाँ से जस्ट क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास सारे मेन कंपोनेंट जो थे आईसी थी वो हो गई है, अब मेरा काम जो है वो केवल क्या है यहाँ पे इंटरफेस करना। अब जैसे आप इस पे जैसे ही क्लिक करके आप अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज वगैरह भी चेक करोगे तो आपको सारी चीज यहाँ से फिर से डेटा शीट मिल जाएगी, इनकेस अगर आपका डेटा शीट यहाँ पे बंद हो जाता है तो। ठीक है, कि मेरे को बस डीसी जैक भी लगाना है। ठीक है, तो अब मैं एक यहाँ पे यूज करने वाला हूँ डीसी जैक। ठीक है, जस्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर में गया और यहाँ से सर्च किया डीसी जैक। अब देखो डीसी जैक में सर्च किया, क्या मेरे को देखने को मिला यहाँ पे कि कोई कनेक्टर आए यहाँ पे, देखो जैसे ये आ गया। ठीक है, या फिर ये भी कनेक्टर है, ये सारे क्या है डीसी जैक है। तो इसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये है 5 एम्पीयर 2.54 mm का डाया है। ठीक है, ओके, नो इशू। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह का देखने के लिए आपको 2D मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो ये इसका ये फुटप्रिंट है। ठीक है, चलो तो इसे क्या करता हूँ मैं इसे भी यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक एंड प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं प्लेस कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मेरे को रोटेट करना है तो मैं क्या करता हूँ इसे एक्स करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया रोटेट। अब लेकिन देखो 1 नीचे है 2 ऊपर इस तरह से ना, बट मैं चाहता हूँ 1 ऊपर हो, तो जस्ट मैं वाई प्रेस करूंगा तो 1 ऊपर यहाँ पे हो गया देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे स्कीमेटिक को बना सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आगे की बात
बताने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ LTM 365 का। एंड थैंक यू LTM फॉर, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।